सो हेलो एवरीवान आई थिंक वी आर लाइव नाव आ जाओ यार फटाफट से आगे हो तो क्लास में बता दो मुझे ताकि पता चल जाए आ जाओ सारे हेलो रितिक हेलो फ्यूचर डॉक्टर क्या बात है फ्यूचर डॉक्टर बड़े जल्दी आ गए हैं हेलो एवरीवान आई थिंक मेरी आवाज़ एम आई ऑडिबल एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल वेट एक मिनट हेलो मिताली बच्चे कैसे हो आप हाउ आई आई मिताली थिंक शुड माइक अब आवाज आ रही है मेरी अब सुन पा रहे हो आप लोग मुझे प्रॉपरली बता दो यार फटाफट से माइक ऐड हो गया है मेरा अब आवाज़ आ रही होगी ओके okay. चलो बढ़िया हेलो जशन हाँ जी किसी फटाफट से आ गए हो तो लाइक कर दो यार तुम लोग चीटिंग करते हो फटाफट से लाइक like कर दो ग्रुप में शेयर कर दो यार टेलीग्राम ग्रुप में फटाफट से जशन जशन या ऋतिक बच्चे कोई भी ग्रुप में शेयर करो टेलीग्राम ग्रुप में ताकि बच्चे आ सकें बच्चा डू शेयर दिस लाइव ऑन ग्रुप सो दैट दे कैन कम एंड ज्वाइन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ओके बच्चा यहाँ पे मैं लाइव पढ़ाती हूँ ठीक है ओके okay. फटाफट से यार सेंड दिस शेयर दिस लाइव विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल सेंड देम द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन टेलीग्राम फटाफट से शुरू करो बच्चा आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के बारे में कई बच्चों को आर्टिकल्स नहीं आता तो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स तो हम उसी के बारे में डिस्कशंस करने जा रहे हैं ठीक है आर्टिकल्स के बारे में आ जाओ जल्दी से वेरी गुड जशन ने शेयर कर दिया लिंक जो भी आ रहे हैं फटाफट से मेरे को मैसेज लिखो ताकि मैं पढ़ सकूँ हेलो शेयर्ड ओके जशन वेरी गुड सो बच्चा इन टूडेज टॉपिक विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल्स आर्टिकल्स क्या होते हैं क्या इंपॉर्टेंस है क्यों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट और कैसे इसको हमने कवर करना है ठीक है कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे कि हम अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकें सो टूडे विल डिस्कस एवरी थिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट आर्टिकल्स हाउ टू राइट प्रॉपर आर्टिकल वट शुड बी द फॉर्मैट हाउ टू प्रेजेंट आर्टिकल सब कुछ ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं सो टूडे विल कवर राइटिंग आर्टिकल राइटिंग ओके समझ आ गया सबको बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टेल मी वट इज़ आर्टिकल चलो आगे बढ़ने से पहले यार आप मुझे प्लस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सब्सक्रिप्शन आप प्लस में आओ प्लस में आप रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हो ठीक है चलो अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है कैसे आपने जाना है विजिट अन अकेडमी प्लस बैच कोर्सेज पे कंफर्म करो एंड देन ये सब आपको दिख जाएगा यहाँ पे आप जाकर के प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो एंड वाई दिस प्लस सब्सक्रिप्शन इज इम्पॉर्टेंट यू कैन आज द यूजर्स प्लस यूजर्स यू विल गेट टू नो अबाउट दिस ओके टॉकिंग अबाउट आर्टिकल वट इज़ आर्टिकल बच्चा टेल मी फटाफट से बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेली वेरी इंपॉर्टेंट

on uh, 23rd, I think today is so we'll okay? so okay, फटाफट से बताओ वट इज आर्टिकल किसी को अपने ओपिनियन देना टू एक्सप्रेस यू ओपिनियन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक ओके टू एक्सप्रेस यू ओपिनियन ओवर अ पर्टिकुलर टॉपिक नाइस मिताली कह रही है किसी को अपने ओपिनियन देना ओके okay, गुड और क्या होता है आर्टिकल का मतलब जल्दी से बता दो सब आ रहे हो तो लाइक like करके जाओ इलेवन पीपल आर वॉचिंग एंड माई वाई आई कैन सी ओनली सिक्स लाइक्स वट अबाउट अदर पीपल वैन दे विलइक दिस से पेटीएम करना पड़ेगा क्या मुझे अ पीस ऑफ राइटिंग इंक्लूड विद न्यूज़पेपर और अदर पब्लिकेशन ओके गुरदीप शाबाश एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग लाइक करो जशन कन्विंस करो मुंडे तो कुड़ी न लाइक कर वास्ते क्या क्या बकवास करी मैं पंजाबी में यू कैन सी इलेवन लाइक्स बट आई कैन सी ओनली सिक्स लाइक्स आई डोंट नो आई चलो आगे बढ़ते हैं सो टॉकिंग अबाउट आर्टिकल एंड आर्टिकल इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग रिटन फॉर अ लार्ज ऑडियंस सो आर्टिकल इज समथिंग विच वी राइट फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस ठीक है हम लार्ज ऑडियंस के लिए इसको क्या करते हैं येस आर्टिकल मीन्स टू अवेयर द पीपल अबाउट सम टॉपिक वेरी गुड हाँ जो अपनी मीनिंग को प्रॉपरली शो करते हैं ऑन टॉपिक वर्ड्स वेरी गुड संजना सो बेसिकली बच्चा आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग पीस ऑफ राइटिंग बोले तो कि एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है रिटर्न फॉर अ लार्ज ऑडियंस सो बेसिकली द पर्पज ऑफ राइटिंग आर्टिकल इज प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन टू द लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस ओके मेन मोटिव बिहाइंड एन आर्टिकल इज इट शुड बी पब्लिश ईदर इन द न्यूज पेपर और मैगजीन और जनरल सो बेसिकली वाई वी राइट आर्टिकल्स

आर्टिकल इज मेनली टू ब्रिंग सम टॉपिक अमंग द पीपल एंड टू मेक देम अवेयर अबाउट इट वेरी गुड प्रत्यूष सो प्रत्यूष इज करेक्ट ओके बट फटाफट से बता दो यस मेनली ऑन एजुकेशनल टॉपिक्स आपने आर्टिकल देखा होगा जिस टाइम पे आपके इलेक्शंस होते हैं दैट टाइम आपने देखा होगा कि देरा लौड़ा मतलब उस टाइम पे लॉट ऑफ आर्टिकल्स प्रिंट दट टाइम मतलब काफी ज्यादा आर्टिकल्स उस टाइम पे आते होते हैं बेसिकली द आर्टिकल्स आर फॉर लाइक फूड आर्टिकल आर ऑल्सो देयर आर्टिकल्स रिगार्डिंग टू हेल्थ एंड फिटनेस ऑल ऑल ऑफ़ थिंग्स सो दीज आर बेसिकली रिटन बाई पीपल सो दैट दे कैन Share their knowledge or they can share their opinion with a large number of audience. So that is the basic motive about yeah, about the importance of sports and everything like that. So these are basically known as articles. So as to make some difference to the word. And what's the main motive behind writing article? We want to make the people aware of this thing. Right? Hello, Harshraj. We want to make the people aware. Okay, so that is the basic idea about writing article because we want to make people aware about the particular thing. ओके एंड आर्टिकल इज रिटन विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया आर्टिकल राइटिंग बोर्ड एग्जाम्स में आएगा बोर्ड एग्जाम्स में अगर पूरे नंबर लेकर के आने हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको फोकस करने की जरूरत है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ ठीक है एंड आर्टिकल इज रिटन विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव सो देर आर 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 समेक्टिहाइंड रैटिंग एनी एनी सॉर्ट ऑफ आर्टिकल ठीक है तो कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं कोई भी काम हम फ्री में नहीं करते कोई भी काम हम ऐसे ही नहीं करते हैं. जो भी काम है सपोज इफ यू टॉक अबाउट अन अकेडमी सो वॉट इज द बेसिक एम ऑफ अन अकेडमी टू प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरी एवरी स्टूडेंट ओके ईच एंड एवरी स्टूडेंट देर इज नो सच पार्शियलिटी देर ठीक है तो इसीलिए अन अकेडमी का बेसिक मोटिव क्या है कि वो ऑनलाइन स्टडीज प्रोवाइड कर सके ज्यादा से ज्यादा बच्चों में है ना उन बच्चों को भी जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा सक रहे यू आर एज यू नो लॉकडाउन इज गोइंग ऑन यू कॉन्ट गो आउटसाइड बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ अन अकेडमी यू कैन स्टडी फ्रॉम योर होम्स You are at your homes and you are studying from your homes, so that is the basic motive behind launching an academy. So, this is the article has also like if you write any sort of article, then also there is some sort of objective behind it, okay? So, So what are the objectives? Hello, Praveen, it brings out the topics or the matter of the interest in the limelight. So, basically.

अगर सपोज मैं बोलूँ इफ़ आई टेल यू टू राइट आर्टिकल वट शुड बी द टॉपिक क्या टॉपिक आप चूज करोगे विच टॉपिक विल यू चूज विच टॉपिक वुड यू चूज फॉर द आर्टिकल कौन सा टॉपिक आप चूज करोगे जल्दी से बताओ विच टॉपिक वुड यू चूज फॉर योर आर्टिकल इफ आई एल टेल यू टू राइट एन आर्टिकल वट वुड बी योर टॉपिक जल्दी बताओ अगर मैं तुम्हें बोलो कि ठीक है भाई आर्टिकल लिखना है तो तुम्हारा टॉपिक क्या होगा कोरोना पेंडेमिक ऑब्वियसली बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग इज ट्रेंडिंग राइट नाउ और यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट एजुकेशन हाउ टू गेट हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग लॉकडाउन हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस वट शुड बी द स्ट्रैटेजीज हाउ टू स्टडी ऑनलाइन दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स ओके सो दैट इज द थिंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स ऑनलाइन क्लासेज या यू कैन ऑलसो राइट अबाउट ऑनलाइन क्लासेज फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इ पेंडेमिक सुएन या सो दिस सॉर्ट ऑफ यू कैन से लाइक टॉपिक्स वुड ट्रेंड डेफिनेटली ट्रेंड या तो आप ऐसे नहीं अब इस टाइम पर आप ये नहीं लिख सकते कि आप लिख दो आई पी एल के बारे में लिख रहे हो या हॉकी के बारे में लिख रहे हो सो दिस विल नॉट हेल्प डेफिनेटली तो द टॉपिकुड ऑलवेज बी ट्रेंडिंग एंड इट शुड मै इट शुड बी And it should interest the people out there theek hai ठीक है is the है provides information on the topics dusri दूसरी चीज है कि kisi किसी भी topic के बारे में information provide करे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे सपोज मैंने आर्टिकल लिखा है कोरोना पेंडेमिक के बारे में तो वो ऐसा होना चाहिए कि इट शुड be इन्फॉर्मेटिव enough informative इनाफ टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक इतना इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या कर सकें समझ सकें ठीक है

द आर्टिकल डिस्कसेस वेरियस स्टोरीज पर्सन लोकेशन राइजिंग इशूज एंड टेक्निकल डेवलपमेंट्स सो दीज आर दिंग्स बेसिकली विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट ठीक है ये सब चीजें जिसके बारे में आर्टिकल क्या करता है बात करता है समझ आ रही है सबको चलो आगे बढ़ते हैं द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग सो वर्ट शुड बी द फॉर्मैट ऑफ आर्टिकल राइटिंग पहले तुम मेरे को लिख करके बताओ फॉर्मैट क्या होता है जल्दी से बताना जरा आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मैट क्या होता है देखूं कितना आता है तुम लोगों को क्या बात है हर्षल जल्दी से बताओ आर्टिकल राइटिंग कितने बच्चों को आती है टेस्ट होगा बेटा क्लास में फिर मत कहना आता नहीं है जल्दी से बताओ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग हाउ टू राइट एन आर्टिकल सबसे पहले टाइटल शाबाश देन हेडिंग फिर शुरू ओके गन हेडिंग तो ठीक है कितनी बार लिखोगे हेडिंग हो गया टाइटल बाय नेम ओके शाबाश फिर ए लाइन हैविंग द राइटर्स नेम बॉडी टाइटल एंड नेम ऑफ द राइटर एंड बॉडी ओके बॉडी ऑफ पैराग्राफ शाबाश महक देखो वान्या टाइटल राइटर्स नेम एंड बॉडी ओके ओके गुड मैम आई आई हैव हैव सो टू गो मिताली नो बच्चे देखो बच्चे कैसे लिखते हैं आर्टिकल मस्ट बी इन अ प्रॉपर वे बोर्ड एग्जाम्स में अगर बच्चों के नंबर कटते हैं कभी आपने देखा है आर्टिकल में बोर्ड एग्जाम्स में बोलते हैं कि बच्चों को सेवन मार्क्स आया बोर्ड एग्जाम्स में या कभी होता है कि बच्चों को कह रहे हैं कि आपके एट मार्क्स आए हैं तो टेन मार्क्स क्यों नहीं आपको मिल रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेज में फॉर्मैट करेक्ट नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेज फॉर्मैट है वो इनकरेक्ट होता है so that is the basic reason of getting 7 and 8 instead of getting 10 so okay आगे बढ़ते हैं मेरी आवाज आ रही है चलो ठीक है सबसे पहले आप लिखते हो हेडिंग हेडिंग बोले तो कि क्या टॉपिक है टाइटल क्या है क्या टॉपिक है ओके okay, बच्चा अब आई थिंक अब क्लियर है ठीक है सबसे पहले आप लिखते हो हेडिंग हेडिंग बोले तो कि क्या हेडिंग है किस टॉपिक पे आपने बात करनी है समझ आ रही है हेडिंग मतलब किस टॉपिक पे बात करनी है जैसे अभी आ, उसने कहा था, जशन ने कहा था था ने कि वो लिखेगी फेस्टिवल्स ऑफ पंजाब के ऊपर सपोज उसने आर्टिकल लिखना है तो ये क्या होगा टाइटल होगा और हेडिंग होगी आर्टिकल की तो हेडिंग और आर्टिकल की क्या होगी फेस्टिवल्स ऑफ पंजाब ठीक है जशन ओके नेक्स्ट है हैविंग द राइटर्स नेम अब उसके जस्ट नीचे जैसे ही आप हेडिंग लिखते हो उसके जस्ट नीचे आपने क्या लिखना है बाय नेम नेम लिखना है बाय मतलब किसने वो लिखा है बाय नेम मतलब जिसने वो आर्टिकल लिखा है सपोज अगर मैंने आर्टिकल लिखा है तो आई विल राइट कृति शर्मा लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप कहीं पे भी अपना नाम मेंशन नहीं करते हो सो बेटर है बाय नेम में आप एक्स वाई जी लिखो और अगर बोर्ड एग्जाम्स में आपको दिया हुआ है कि हाँ ये नेम है और इसके थ्रू आप ये हो और आपने आर्टिकल लिखना है तब आप उस बंदे का नाम लिखो इन केस इफ द नेम इज नॉट गिवन देन यू हैव टू राइट यू हैव टू राइट एक्स वाई जी और ए बी सी बच्चे व्हाट्स क्वेश्चन क्विज कब है बच्चा बहुत जल्दी होगा बॉडी बॉडी मतलब द मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल टू थ्री एंड पैराग्राफ्स बॉडी में क्या होता है मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल टू टू थ्री पैराग्राफ्स होने चाहिए कम से कम एंड बॉडी के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडी बॉडी के अंदर बच्चे टू टू थ्री पैराग्राफ्स होने चाहिए और कंक्लूजन में क्या होगा आपके पास यू विल एंड द होल पैसेज यू विल एंड योर आर्टिकल

इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं वाइल राइटिंग एन आर्टिकल ऑलवेज यूज प्रॉपर ग्रामर स्पेलिंग एंड प्रॉपर पंचुएशन एक चीज हाँ फोर्थ पैराग्राफ इंक्लूड कंक्लूजन वेरी गुड प्रत्युष सो जब आप आर्टिकल बच्चा लिख रहे होते हो तो ऑलवेज यूज प्रॉपर ग्रामर प्रॉपर ग्रामर यूज करना है अगर आप ग्रामर गलत करोगे ना तो आपको टीचर मार्क्स कट कर देगा सो मेक श्योर और एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ आपको जिन बच्चों की ग्रामर मिस्टेक होती है कितने बच्चों की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर देर हू फेस प्रॉब्लम बच्चों को ग्रामर में दिस जशन वॉट यू कैन डू हाँ फॉर दिस वट यू कैन डू इज बच्चे यू कैन रूट स्मॉल येस बच्चे यू कैन यूज स्मॉल स्मॉल का क्या मतलब है कि डोन्ट यूज लार्ज सेंटेंसेज यूज सेंटेंसेज विथ स्मॉल विद हाँ सो मेक श्योर क्या करो बच्चा राइट सेंटेंसेस विच कंटेन क्या है लेस नंबर ऑफ वर्ड्स कम से कम लेस वर्ड्स यूज करो जितने ज्यादा कम वर्ड्स यूज करोगे उतनी कम चांसेस है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने की बेसिकली होता क्या है व्हेन यू ट्राई टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेस उस टाइम पे ही आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज्यादा होती है तो मेक श्योर sure use small sentences to avoid grammatical mistakes okay proper grammar spelling and proper punctuation should be there proper punctuation in sense because you are uh, you are providing information to the people so there should be proper punctuation proper full stop comma everything should be there use vocabulary skills use vocabulary skills matlab in in order to make your article look attractive or sound attractive you need to add some vocabulary skill to it vocabulary skills means सम सॉर्ट ऑफ गुड लैंग्वेज यू कैन से अच्छी लैंग्वेज आपको यूज करनी पड़ेगी कीप द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक कैचिंग कैच ही इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट मेक श्योर जो आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन है सपोज इफ आई टॉक अबाउट द कोविड नाइनटीन द करेंट सिचुएशन ऑफ कोविड नाइन्टीन सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू राइट एंड इंट्रो दैट वुड मतलब दैट वुड ग्रैप द अटेंशन ऑफ द पीपल ऐसे कुछ आपने कैची इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन रखना है कि लोगों को वो क्या लगे कैची लगे फॉर दैट आपने कुछ उस तरीके से उसको लिखना है इट शुड नॉट इट शुड नॉट लुक बोरिंग बिकॉज अगर वो बोरिंग लगेगा तो लोग पढ़ना छोड़ देंगे अब ऐसे नहीं तुम लिख रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया फॉर वन मिलियन पासिंग वन मिलियन कोविड नाइन्टीन केसेज और गोल्डन प्ले बटन पकड़ा रहे हो तुम ये सब काम मत करना बट या ट्राई टू मेक योर इंट्रोडक्शन कैची एवरी टाइम बच्चा आप समझे नहीं मेरा कहने का मतलब है स्मॉल सेंटेंसेस यूज करो बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करो लेकिन स्मॉल सेंटेंसेस ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस मत करो हाँ जैसे न्यूज वाले करते हैं कभी न्यूज वालों को देखा है वो कैसे आपके इंट्रोडक्शन वगैरह रखते हैं बच्चे वो आई थिंक ये ना ओबीएस में कोई दिक्कत है आज डिस्कनेक्ट uh, हो जा रहा है बार बार ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कॉमन मिस्टेक्स इन आर्टिकल राइटिंग फॉर तो वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स दैट मोस्ट ऑफ अस डू वाइल राइटिंग आर्टिकल सो मेक श्योर आप ध्यान से देखो नाउ वी नो द स्टेप्स ऑफ आर्टिकल कैसे आर्टिकल लिखते हैं फॉर्मेट हमको सब पता है आप कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमको नहीं करनी है उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉट यूजिंग फैक्ट्स और कोर्ट और सिमिलर केसेस सो हम करते क्या है कि हम कोई फैक्ट्स यूज नहीं करते हम कोई कोर्ट्स यूज नहीं करते हम अपना आर्टिकल लिख देते हैं सी अगर आप अपने आर्टिकल में कोई कोर्ट्स यूज नहीं करोगे सपोज इफ आई विल से यू कि सक्सेस के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है सो व्हाट सॉर्ट ऑफ कोर्ट यू कैन ऐड टू इट जल्दी से लिख करके दिखाओ किस तरीके का कोट आप ऐड कर सकते हो सपोज इफ आई टेल यू कि डू राइट एन आर्टिकल ऑन सक्सेस सो व्हाट विल व्हाट सॉर्ट ऑफ कोट विल यू प्रोवाइड क्या कोट आप प्रोवाइड कर सकते हो सक्सेस के ऊपर बिकॉज़ केस कोट एंड एडिशनल थिंग्स मेक्स योर आर्टिकल लुक अट्रैक्टिव एंड दिस विल हेल्प यू टू गेट मोर मार्क्स नो पेन नो गेन हार्ड इज द की टू सक्सेस शाबाश इस तरीके के कुछ कोड्स आप ऐड कर सकते हो और बताओ और बताओ स्माइली कौन भेज रहा है ओके तो देखो नॉट यूजिंग फैक्ट्स अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो आप लिख रहे हो कोविड नाइन्टीन केसेस बढ़ जाएंगे और मैं तो कह रहा हूँ कि सेप्टेंबर एंड तक हाँ फोकस ऑन यू रही सप्टेंबर एंड तक जो कोविड केसेज हैं वो दो मिलियन हो जाएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल एटलीस्ट यू शुड हैव अ डिटेल अबाउट इट यू शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग गॉड हेल्थ दोज हुआ द लैंग्वेज शुड बी शुड नॉट बी टू फॉर्मल देखो आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होनी चाहिए फॉर्मल बेसिकली आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ऑफिशियल नहीं होनी चाहिए फॉर्मल के बारे में बच्चा क्या कहने का मतलब है कि जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हो सो यू आर एड्रेसिंग कॉमन पीपल तो कॉमन पीपल के लिए आप ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखोगे जो उनको समझना है लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड इट शुड नॉट बी फॉर्मल ठीक है फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए आर्टिकल मस्ट बी इन ईजी लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मेक श्योर कि जब भी आप आर्टिकल लिख रहे हो सो so वो ईजी लैंग्वेज में लिखा हो आलंकृत भाषा मत लिखना उसमें जैसे अब हिंदी में मैं बोल दूँ तुम्हें एक मैं अवधि भाषा में बोल दूँ उधो तुम्हारा अति बड़भागी अपरस रहस स्नेह तगाते नाहन मन अनुरागी सो दिस इज समथिंग यू वोट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू हैव टू गो एंड यू हैव टू सर्च फॉर लाइक ईजी लैंग्वेजेस ठीक है या फिर देखो तुमने हिंदी पोएम सुनी होगी थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले सो दिस इज वेरी सिंपल ठीक है ये बहुत सिंपल है इसमें क्या है आपको समझ समझने की जरूरत नहीं है आप समझ जाओगे कि थाल सजा कर किसे पूछने चले प्रातः ही मत वाले आप समझ जाओगे कि हाँ भाई एक पंडित है जो थाल सजा करके जा रहा है यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग बट अगर मैं ऐसे बोलूं कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी सो बेसिकली दिस इज अलंकृत फॉर्म

हेलो श्रीकंत इजी का मतलब क्या है बच्चा किस द टाइटल ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी कैची एंड क्लियरली अंडरस्टैंडेबल कैची आर्टिकल का टाइटल होना चाहिए अब आर्टिकल कैची का मतलब क्या हुआ सपोज मैंने बोले मैंने पबजी में थर्टीन किल्स किए विथ कार नाइन्टी एट तो टाइटल क्या दोगे तुम जल्दी बताओ सपोज मैंने बोला कि मैंने थर्टीन किल्स किए कार नाइनटी एट से व्हाट शुड बी द टाइटल जल्दी से लिख करके बताओ अट्रैक्टिव तो होगा टाइटल है ना लेकिन क्या क्या टाइटल क्या दोगे अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने थर्टीन किल्स किए कार नाइनटी एट से और मुझे बताओ जल्दी से मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया है कार 98 एट क्वीन यस कार 98 एट ओ पी सो दिस सॉर्ट ऑफ लाइक आप एग्जाम्पल्स आर्टिकल्स को दे सकते हो कैची बनाने के लिए हेड शॉर्ट्स बाय कार नाइन्टी एट सो आप ऐसे ऐसे आर्टिकल हेडलाइंस दोगे ताकि लोग अट्रैक्ट हों लोग पढ़ने आए ओ ये क्या हो गया ठीक है चलो चलो एक आर्टिकल का एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा ग्रो मोर ट्रीज टू रिप्रोड्यूस पॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है बच्चे वो क्या है कि जब भी आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी टॉपिक uh, दिया होगा तो टॉपिक आपका वही होगा जब कोई भी चीज़ आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दी होगी कोई भी चीज़ अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दी होगी तो टाइटल सेम होगा यानी ये एज इट इज टाइटल आपको यूज करना है क्योंकि ये ऑलरेडी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है सो यू हैव टू यूज द सेम टाइटल बिकॉज इट्स ऑलरेडी गिवन इन इन्वर्टेड कॉमास नो नीड टू चेंज इट ठीक है समझ आ गया write an article in 150 to 200 words so this is the basic word limit for an article so 150 and 200 words may you you have to write an article on the topic given above for your school magazine so topic is already given and why we have to use the same topic we can't use key grow more tree, uh, trees और एफॉरेस्टेशन ऑफ ट्रीज वी विल नॉट यूज सच टाइटल बिकॉज टीचर विल मार्क्स टीचर विल कट आर मार्क्स स्ट्रेटली क्योंकि यहां पे बच्चा आपको ऑलरेडी मेन्शन है ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है तो आपने सेम हेडिंग यूज करनी है एंड सोर्स कहां से है बच्चा दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम कंपार्टमेंट एग्जाम 2018 थाउजेंड एटीन सो बोर्ड में आया हुआ है पहले ठीक है सो मेक श्योर आप ध्यान दो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यार ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन हमने सेम हेडिंग क्यों यूज करी है देख रहे हो यहाँ पे आंसर पर हमने सेम हेडिंग यूज करी है क्यों यूज करी है सेम हेडिंग जल्दी बताओ अभी बताया था मैंने तुम्हें क्यों यूज करिए हमने सेम हेडिंग जल्दी से बताओ

अपॉन द स्काई सो यहां पर देखो पहला ही जो है कोर्ट के साथ शुरू किया हुआ है आर्टिकल को कि ट्रीज आर द अर्थ राइट अपॉन द स्का ट्रीज एक ऐसी कविताएं है जो क्या लिखी है अर्थ ने स्काय के ऊपर लिखी हुई है मनोज चौधरी हाँ ठीक है समझ आ गया ट्रीज एंड प्लांट्स आर वन ऑफ द मेन रीजन मैन काम इन टू द सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर यू राइट समथिंग यू हैव टू डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक चाहे वो इलेक्शन है सो यू हैव टू द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन अगर आपके पास टॉपिक होता लेट से आपके पास टॉपिक होता कोविड नाइन्टीन तो आप इसके बारे में पहले उसकी इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे होते उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे होते कोविड नाइन्टीन के केस में आपने बना बताना था कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कोविड के बारे में कहां से है आपको देना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो कम इन टू एक्टेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज हैज बीन टाइम एंड अगैन दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यूमरस बेनिफिट दे ऑफर सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव रिटन अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू दिस टॉपिक दैट इज ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन नमस्ते बच्चे क्या बात है चाचा की शादी में आए हो

ट्रीज बिल्ड टू अट फ्रॉम द हार अल्ट्रा वायलेट ट्रीज बताना जरा इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज क्या होते हैं लिखो जरा देखो कितना पता है तुम्हें वट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज बताओ जल्दी से इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज क्या होते हैं बताओ मैं ट्रीज के इम्पोर्टेंस ही नहीं बताया गलत बात है तो जल्दी जल्दी लिखो ट्रीज के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं लेस द पोल्यूशन ओके फिर और ट्री गिवस अस रेन ऑक्सीजन ओके अब थर्ड क्लासर मत दो हाँ वेरी गुड देर् हार्मफुलिस वेरी गुड ट्री इज अर बेनिफिशियल फॉर अस वो तो मेरे को ही पता है बेनिफिशियल है बट इन वट वे आर बेनिफिशियल टू अस मैम रेड्यूज इन्वायरमेंटल इनबैलेंस गिविंग शेल्टर टू द एनिमल्स सो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है ठीक है वो अल्ट्रा वॉयलेट रेस से हमें क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुलट्रा वॉयलेट रेस से प्रोटेक्ट करते हैं दे सर्व एज अबिट फॉर बर्ड्स मतलब बहुत सारे हैबिटेड हैबिटेड मतलब रहने के लिए बर्ड्स और प्लांट्स के लिए या ओजोन लेयर प्रोटेक्शन कवर करते हैं ओजोन लेयर करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं हमारी अल्ट्रा वॉयलेट से द प्लेस इज इनहेबिटेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर क्वाइट कूलर कंपेयर टू द कंक्रीट जंगल्स सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान और एनिमल्स सो प्लाट्स इनहेबिटेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर क्वाइट कूलर सो जहाँ पे भी ट्रीज होते हैं दोज प्लेसेस आर कंसिडर्ड क्वाइट कूलर कंपेयर टू द प्लेसेस वेयर वी कांट सी ट्रीज ओके सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट कैन नॉट डू विदाउट एयर कंडीशनर्स सो अनफॉर्चुनेटली अर्बनाइजेशन इज लीडिंग टू क्लियरिंग फॉरेस्ट So, what is the reason for uh, you know deforestation of trees and deforestation of plants? The basic reason is urbanization because urbanization has introduced. Everyone is setting up companies. Everyone is trying to set up the uh, you can say like buildings. Huh. So that is the basic reason why we are facing why we are facing and so much of problem and why there is a problem of pollution in our country. And past despite the numerous benefit they offer so they they also have converted all the parks into buildings people come here for morning walks evening strolls yoga sessions and laughter therapy yeah number of colony has increased so these are the basic things and as a china proverb states the time the best time to plant a tree was 20 years ago the second the second best time is now so basically why this why this has written here because बीस साल पहले अगर हम प्लांट ग्रो uh, करते हैं सो उसको बेस्ट टाइम कंसिडर किया गया था बट सेकेंड बेस्ट टाइम क्या है अभी है बिकॉज इफ विल नॉट प्लांट ट्रीज नाउ देन विल डेफिनेटली फेस प्रॉब्लम इन आर फ्यूचर बिकॉज यू नो पोल्यूशन इज पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे अवर पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड वी ह्यूमन बींग आर नॉट बॉर्दर्ड अबाउट प्लांटिंग ट्रीज एंड इट विल डेफिनेटली डेफिनेटली बॉर्दर इन फ्यूचर सो दैट इज द थिंग यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि द बेस्ट टाइम टू प्लान ट्री वॉज 20 ईयर्स बैक

इनवाइट भी होगा बहुत जल्दी इतना समझ आया इज दैट मच क्लियर टू ऑफ यू बच्चे समझ आ गया सबको ये वाला आर्टिकल तुम लोग लिखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरा देखो सेकंड आर्टिकल इज राइट एंडिया राइट एंड इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी वन वे इन विच वी मेक्स अस फील प्राउड ऑफ इट्स अ नंबर ऑफ फेस्टिवल्स वी एंजॉय राइट एन आर्टिकल इन 150 टू 200 वर्ड्स सो वी हैव टू राइट एन आर्टिकल इन 150 एंड 200 वर्ड्स ऑन या गिव्स एंड सेफ फेयर एंड टाइम्स ओके फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया सो व्हाट शुड बी द हेडिंग ऑफ दिस आर्टिकल व्हाट शुड बी द हेडिंग ऑफ दिस आर्टिकल हेडिंग क्या होगा आर्टिकल का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया व्हाई वी आर यूजिंग फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया ये वाला ये वाला हेडिंग क्यों यूज कर रहे हैं वाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर हेडिंग बच्चे जल्दी करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हम यहाँ पे ये वाला हेडिंग क्यों यूज कर रहे हैं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया जल्दी से बता दो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गिवन है ऑलरेडी एंड इट्स एन इन्वर्टेड कॉमर्स बच्चे ये चीज़ ध्यान रखनी जब आप एग्जाम्स में जाते हो ना बोर्ड एग्जाम्स में तो बोर्ड का प्रेशर इतना होता है कि आप लोग को ये छोटी छोटी डिटेलिंग्स नहीं दिखती है यू विल नॉट भी एबल टू सी दिस इन्वर्टेड कॉमर्स जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग क्वेश्चन कि कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स है कहाँ पर नहीं है एंड सेकंड थिंग टू बी नोटेड इज दैट नेम इज़ ऑलरेडी गिवन करुना इफ यूर अ गर्ल एंड करन इफ यू आर अ बॉय इन केस इफ यू आ गर्ल यू हैव टू यूज करुना एंड बॉय यू हैव टू यूज करन यू कॉन्ट यूज कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया इट्स एन इनवर्टेड कॉमर्स दैडिंग इज ऑलरेडी गिवन सो यू कॉन्ट यूज़ योर हैडिंग ओके बच्चा सो इट्स बेसिकली दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉज आस्ड इन सी बी एस सी टू थाउजेंड सिक्सटीन समझ आ गया सबको फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया बाय करन एंड करुना एंड वाई वी हैव यूज दीज नेम्स करुना क्यों हमने नेम यूज किया है ये जल्दी से बताओ जरा भावना जैन वाई वी हैव यूज दीज वर्ड्स एंड करुणा बिकॉज नेम पहले से ही दी है ओके इट इज सेट दैट ग्रेटनेस ऑफ अ कल्चर कैन बी फाउंड इन इट्स फेस्टिवल सो अगेन यहाँ पे हमने कोट यूज करें एंड वाई वी हैव यूज कोड्स टू मेक आर आर्टिकल लुक अट्रैक्टिव सो बच्चे देखो मैंने इसलिए कहा था कि मेक श्योर टू लर्न सम ऑफ द कोड्स एवरी डे कुछ कुछ कोर्ड आप हर दिन याद कर सकते हो सो यू कैन सी दै ग्रेटनेस ऑफ अ कल्चर कैन बी फाउंड इन इट्स फेस्टिवल सो दिस इज द बेसिक कोड दैट दे हैव मैंशन ऑन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द आर्टिकल जस्ट टू मेक द आर्टिकल लुक अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल so this will definitely help you to grab more marks from your examiners okay so uh, greatness of a culture can be found in its festivals india has proved every word of saying right by being famously known as the land of festivals so basically why india is famous india is famous for the festivals we celebrate the sort of festivals we have in our country it's a beautiful quote Enough? true to this belief india has scores and scores of festivals so i will tell you one important thing right here ki in case if you have to use number and number of so using instead of using number and number because it's a very basic word you can use scores and scores scores and scores is the another way of saying number and numbers okay so make sure you note डाउन दिस नोट इट डाउन फास्ट मैम दिज आर्टिकल्स आर सीम टू बी टू शॉर्ट वर्ल्ड लिमिट पूरी हो रही है बच आई जस्ट बिकॉज इट्स इन अ टाइपड फॉर्म सो दैट इज द रीजन यू आर यू इट सीम्स लाइक द नंबर ऑफ लिमिट्स आर नॉट अप टू द मार्क बट इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज इट इट्स इन अ प्रिंटेड फॉर्म एंड इट्स इट्स अ टाइपड फॉर्म बट वैन यू विल राइट द सेम थिंग इन नोटबुक आपको बिल्कुल भी वर्ल्ड लिमिट का दिक्कत नहीं होगा So is that much clear whenever you want to write something number and number you can do scores and scores of festivals that bring happiness and joy all across the country okay this is because of the diverse culture that exists in the subcontinent all these different cultures and religions get tied together in the bonds of love with these invisible threads of celebrations so basically there are n number of uh, you can say cultures are there and all the cultures are tied together and how they are tied together, they are tied together with the bond of love. Hana Samajara Shabash. Accordingly, Dashara has a great significance. So now we are trying to give description about the topic. And description, what is the description? Description. How will we describe the festivals of India? We'll describe the fest festivals of India by talking about the festivals itself. So Dashera has a great significance. Similarly, the Janmashtami festival has also a great religious and social significance. So Janmastami also talks about this. This is the occasion when Lord Krishna was born to kill kuns and the other demon and save people from a great danger. So, what's your favorite festival? Write it down fast. Aaplabu konsa festival Acharapta. या बच्चा डेफिनेटली नो प्रॉब्लम आपको कौन सा फेस्टिवल पसंद है बच्चा योर फेवरेट फेस्टिवल फेवरेट फेस्टिवल बताओ आज समथिंग रॉन्ग विद माई ममा मेरे फिंगर में पता नहीं क्या फ्रैक्चर हो गया दिवाली ओके okay, होली आई डों लाइक होली आई लाइक like दिवाली आई लाइक like राखी बट आई डोंट लाइक होली दिवाली होली शबाश जन्माष्टमी जन्माष्टमी तो आने वाली है शायद अभी कोई सा भी फेस्टिवल चलेगा अपन को तो केवल लड्डू खाने से मतलब है ऐसा सही नहीं क्या कितने लोग को दिवाली केवल इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें मिठाइयाँ आती हैं नो राखी बच्चे लाइक राखी हाँ लड़कों को क्यों पसंद आएगी राखी लड़कों को राखी कहाँ पसंद आती है यार लड़के तो हेट राखी हम्म लड़कों को पता तो है हमारी क्रश हमें राखिया ना बांधे पकड़ के सोचते है कि टीना ने अगर हमें राखी बांधी तो मेरा कैसे चलेगा हाँ लड़कियाँ राखी बांध देती है मुझे पता है सबको लगता होगा कि मेरी टीना ने मुझे राखी बांध दी तो मेरी प्रेम कहानी कैसे आगे बढ़ेगी आई कैन रियली वेरी अंडरस्टैंड द फीलिंग हाँ अब सुधर जाओ पढ़ाई कर लो निब्बे गेंगे ओके <laughs> okay. So, now we'll talk about this. Is the only occasion when Lord Krishna was born to kill khans and other demons to save the people from a great danger. So, this festival also teaches us how to fight evil and falsehood and establish truth. So, basically, it deals with how we can fight with the evilness that is there in our society, how to deal with the falsehood, and how to establish truth. On these festivals, people offer prayer to their deities, wear ethnic clothes, and make merry with their near and dear ones. Mm. Ganesh Chaturthi, Idul Fitr, Vaisakhi, Onam, Pongal, Guru Purabh, Ram Naomi, Durga Puja are some of the festivals that are celebrated with immense zeal in different parts of India, with some of these being specific to a particular region. So, there are n number of uh, festivals you can say that are that are region specified. Region specified means that are celebrated on a certain region. Suppose if we talk about like uh, this uh, Ganesh Chaturthi, so Ganesh Chaturthi, Chaturthi is majorly celebrated in Mumbai or things like that. Onam, Pongal, Gurupurab is for like Punjabis. Ram, Naomi are basically celebrated by Hindus. Okay. So, uh, parts of India now specific to a particular region. No wonder our country is called a land of festivals. So, there is no wonder and we there is no Aaj bhi Rakhi bhej didi meri because I have no sister. Okay, I will definitely send you Rakhi. No issues. So basically, we are trying to talk about in this particular article what we have talked. We have talked about the India as a land of diversity. We have talked about all the important festivals that are there in our country. We have talked about all the important festivals we celebrate, whether it's region specific or whether it's place specific. So that was the basic idea. So is that much clear to everyone of you how to write an article? I have already talked about the basic format you have to follow. Then I have talked about the vocabulary skills that you have to follow what sort of vocabulary you can use while writing an article how to write introduction how to use uh, topics these were some of the basic points so is that much clear will you guys be able to write article now for the examination point of view because i have already completed all the major aspects titanium clear very good <clears throat> so i think our next class would be a letter to the editor or maybe or something like that okay i'll complete that invite portion okay some of you were asking bhavana jain okay so what is the basic format of an article first of all you have to write the heading and heading should be catchy and attractive so that it can uh, so that it could attract large number of audience second thing is there should be a byline byline means the person who whosoever will write the article aapko by name and then align with the uh, writer's name okay and then the body basically body should be of three para body should contain three paragraphs the starting paragraph should be the introduction paragraphs introduction paragraphs means where you will introduce everything you will give the introduction of the topic you are going to discuss then there should be two other paragraphs. Two other paragraphs will deal with the description or the information regarding that thing. And then there's conclusion. Conclusion is something you will write your opinion, you will then end your basically, you will end your article giving some of the opinion, recommendation, anticipation, or an appeal. Subclass, don't worry. अगली क्लास किस टॉपिक पे हो फटाफट से लिखो जल्दी से नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे होनी चाहिए जल्दी से लिख करके बताओ वट आर द अदर थिंग वाई राइटिंग एन आर्टिकल ऑलवेज यूज प्रॉपर ग्रामर वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर ग्रामर बिकॉज आर्टिकल इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी पब्लिश ऑन

यूज वोकैबलरी स्किल्स हो गया इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक शुड भी कैच इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट एंड डिस्कस दिनियन एंड द मैटर एंड ऑर्गनाइज इन डिस्क्रिटिव मैनर सो दीज आर समिंग्स दैट यू नीड टू की होने वाला है क्लास में सो मेक श्योर यू अटेंड द क्लास टुमोरो आई बी टीचिंग लॉस्ट लेसन पार्ट वन एंड लॉस्ट लेसन पार्ट टू एंड विलरी ऑफ बोथ द ओके okay, ओके okay, बच्चे ठीक है हर्ष राज तो डेवी कर रहे हैं क्लास में क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं विच यू शुड नॉट डू वाइल राइटिंग आर्टिकल वट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू शुड नॉट डू वाइल राइटिंग आर्टिकल जल्दी से लिख करके बताओ क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए जो करेक्ट बताएगा उसी का टॉपिक अगले क्लास में होगा जल्दी से बताओ नौ बजे बच्चे What are the, some of the mistakes that you should not do while writing article? Grammatical mistakes, yeah. Grammatical mistakes should not be there. And what you can do in order to avoid grammatical mistakes, you can use short sentences, okay? Instead of yeah, yeah not using facts or quotes because if you'll not use facts, you will not use quotes. Then how someone will able to understand that particular thing? It's very important to use quotes and facts because if you'll use quotes and facts, then only you'll be able to make other people trust on your article. We should use quotes and facts, yeah. And in paragraph, it should always be in paragraph. It should be in paragraph always, and paragraph should not should not be more than four. There should be not more than four paragraphs. First should be like लैंग्वेज शुड भी इजी टू अंडरस्टैंड या यू कॉन्ट यूज टफ लैंग्वेजेज दट आई हैव एक्सप्लेन बिफोर कि थाल से जाकर किसी पूछने चले प्रातः ही मत वाले इज अ सिंपल सेंटेंस अगर मैं इसी को दूसरे पोएम में बोलूं कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी थानी थी दिस इज समथिंग लाइक डिफिकल्ट वन सो लैंग्वेजेस आर सेम मीन्स बोथ आर हिंदी बट द वे आई एम सेंग दिस इज डिफरेंट ओके इन वन थिंग आई एम यूजिंग बेसिक लैंग्वेज

क्योंकि यू आर अ बोर्ड क्लास स्टूडेंट तो बोर्ड क्लास में आपकी नोटबुक बाहर जाती है चेक होने के लिए तो अगर आप कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हो चाहे वो आपका नेम है चाहे वो आपका फोन नंबर है चाहे आप इमेजिनरी ही नेम दे रहे हो सपोज माय नेम इज कृति एंड आई एम राइटिंग ओके सो आई एम राइटिंग लाइक फ्रॉम सपोज मैंने अपना नेम कृति की जगह गुनगुन लिख दिया बट एग्जामिनर को तो नहीं पता ना कि ये लड़की का नाम गुनगुन -गुन असली में है कि नहीं है बिकॉज उसको तो मेरे बारे में नहीं पता सो यू कांट यूज इमेजिनरी नेम्स बिकॉज इट मे बी कंसिडर्ड एज अ चीटिंग केस एवॉइड यूजिंग योर नेम एंड थिंग्स शुड बी रिपीटेड या और थिंग्स आप रिपीट कर सकते हो चीजों को ओके समझ आ गया सबको सो वी हैव कंप्लीटेड टू आर्टिकल्स टूडे वन इज टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज टू and second one is land of festivals try writing in bullet points i would ask tomorrow uh, like uh, not in youtube youtube pay i am not sure when is my next class i'll share the timetable with you is there any doubt edit after writing yeah after you complete Uh, your article writing make Make sure sure to edit things. Make sure कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है कुछ हमने गलत तो नहीं लिख दिया है And handwriting is really very important. अगर आपका English में handwriting ही अच्छा नहीं है ना बच्चा तो वो आपका काम नहीं होगा आप कितना भी अच्छा लिख करके आओ कितनी अच्छी language use करके आओ but अगर आपकी handwriting अच्छी नहीं होगी तो टीचर विल नॉट in यू मार्क ऑलवेज इन see, I will tell you the basic reason why

मैं बताती हूँ सपोज अगर मैंने आपकी कॉपी चेक करनी है बोर्ड में रोल नंबर आया और बोला कि हाँ ठीक है एक लड़की है उसकी कॉपी के बीच में ये, ये नाम होगा तो आप क्या करना उस नाम से रिकोगनाइज कर लेना कि ये सेम कॉपी है और आप उसको तो नंबर दे देना सो दिस इज समथिंग लाइक बी कंसिडर्ड एज अ चीटिंग केस सो ऑलवेज अवॉइड राइटिंग दिस बिकॉज अगर किसी टीचर ने आपके कॉपी uh, में ऐसा चीटिंग केस लिख दिया तो बच्चा आपको बहुत टेंशन हो जाएगा सो so कभी भी एक्स वाई जी इज टोटली अप्रोप्रिएबल एक्स वाई जी का कोई नंबर नहीं कटने लगा है, ठीक है वहां पे चाचा मामा के नाम मत लिख करके आ जाना अपनी गर्लफ्रेंड के नाम हाँ भाई लेटर टू लव लेटर और मस्त नाम लिखे जा रहे हैं वहां पे ऐसा नहीं चलेगा ठीक है दिस विल नॉट वर्क मैम प्लीज कीप अ क्लास ऑन यूट बिफोर ट्वेंटी ऐसा नहीं कि तुम तो अपनी प्रेमिकाओं के नाम लिखे आ रहे चिट्ठी भेजनी है तो लगे पड़े हो लिखने पे समझ आ गई सबको हाँ याद आ गया सबको सबको समझ आया कि आपने क्या यूज नहीं करना है पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहे लेटर है चाहे आर्टिकल है तभी आप केवल बच्चा नाम यूज करोगे जब आपको क्वेश्चन में दिया होगा जैसे यहां पर इन क्वेश्चन कि इफ यू आर अ गर्ल यू हैव टू यूज करू ना इनकेस इफ यू आर अ बॉय सो दैट वॉज ऑलरेडी इन द क्वेश्चन देन ओनली वी यूज दीज नेम्स बट इन केस इफ द नेम्स आर नॉट गिवेन इन दैट केस यू विल नॉट यूज एनी नेम समझ आया ये सबसे आप लेटर टू द एडिटर लिखो लिखो आर्टिकल लिखो ना लिखो लेकिन ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पता ना बच्चे तो बहुत दिक्कत होती है देर वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट लास्ट टू लास्ट ईयर ही डिड द सेम मिस्टेक एंड देन उसको चीटिंग केस लग गया था सो मेक श्योर नॉट टू शेयर एनी ऑफ यर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आंटिल एनले नॉट गिवन उन एक तो तुम ले रहे होन वाली शक्ल थैंक्स मैम दिस इज वेरी हेल्पफुलेंक यू ओके हर्षराज सो अब आर्टिकल लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए पूरे नंबर आ जाएंगे समझ आ गई सबको आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखनी होती है पहले टाइटल फिर बाय नेम टाइटल बाय नेम के बाद आपने लिखना होता है कि ग्रेटनेस ऑफ अ कल्चर कैन बी फाउंड इन इट्स फेस्टिवल्स चार पैराग्राफ में डिवाइड करो उसको फोर्थ पैराग्राफ शुड बी कंक्लूडिंग पैराग्राफ एंड एट द एंड यू हैव टू राइट में मत आ जाना जाटिकल लिखे आर्टिकल लिखा थैंक यू तुम यू हैव टू मैंशन थैंक यू एज वेल ओके थैंक यू लिख करके आना अपने एटीट्यूड मत रखना मैं क्यों थैंक यू बोलेगा रे इसको ऐसा नहीं चलेगा उधर आई हैव ऑलरेडी मैं माई टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेक श्योर यू जॉइन दैट टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा यू कैन कम यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ओके वहाँ पे आ सकते हो आप लोग यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी बच्चे अन अकेडमी पे रोज फ्री क्लासेस चल रही है यू कैन गो एंड यू कैन वॉच द लेसन काफी बढ़िया तरीके से बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको uh, मिलेगा एंड अन अकेडमी पे आपने कृति शर्मा टाइप करना है आपको मैं वहां पे एडुकेटर दिख जाऊंगी आपने क्लिक करना है फॉलो करना है और सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से ठीक है समझ आ गया चलो अब सारे बच्चे के कोर्ट लिखो एंड देन वी लर्न दिस सेशन Ma'am, what is your main subject? Bacha, I basically teach English, but I have all also uploaded some of the chemistry and physics lectures as well because I used to teach before these things. Ma'am, your another channel, another uh, channel, yeah. I have questions. Okay, Ritik, what's your question? Bacha, please ask. And make sure, make sure, you are the best teacher on Plus. Thank you so much. लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड वीडियो ऑन द लॉस्ट्रिंग एज इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर माई टेस्ट ओके प्रत्यूष बच्चे नो वरीज यू कैन जोईन देशन टुमोरोट नाइन पी एम ओके बी देर वन मोर थिंग बच्चे clear, बच्चा सबको समझ आया क्या पढ़ाया मैंने क्लास में समझ आया सबको कैसे आर्टिकल लिखना होता है हाँ जी बच्चे बोलो बोलो बच्चे बोलो बच्चे बोलो क्या हो गया ऐसा कैसे चलेगा काहे लिखते हो नहीं रहे तुम कुछ हाँ भैया सुन रहे हैं बोलो yeah. बच्चा दैट इज बेसिकली अ प्लस क्लास बट आई विल डेफिनेटली शेड्यूल अ फ्री वन फॉर यू नो वरीज बच्चे बताओ क्या बोल रहे हो पैनी गर्ग डू यू टीच नो बच्चा आई डोंट टीच क्लास इलेवेंथ आई ओनली टीच क्लास ट्वेल्थ बट यू कैन कवर द ग्रामर पोर्शन फ्रॉम मी बिकॉज ऑलमोस्ट इलेवंथ एंड ट्वेल्थ ग्रामर थिंग्सम लेटर टू द एडिटर इन ऑल दिस थिंग्स हां जी बच्चे पूछो डाउट व्हाट्स यो डाउट रमेश उपाध्याय प्रवीण भाई आई एम नॉट एबल टू सी योर कॉमेंट वट आर यू राइटिंग नीचे सबको मिल रहा होगा ठीक है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे देर आर लिंक्स ओके बच्चा अभी बताती हूँ फॉर्मेट में बच्चा देखो बहुत इजी है फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना होता है लास्ट में आपके पास क्या होता है बच्चा यू कैन यू कैन राइट एट द एंड मतलब कंक्लूजन कर रहे होते हो ओके okay. अनमोल उपाध्याय ओके okay, अनमोल ठीक है तो बताया सबसे पहले आपने टाइटल लिखना होता है आफ्टर राइटिंग द टाइटल यू हैव टू गिव यू हैव टू राइट अ बाई लाइन बाई लाइन बोले तो कौन उसको लिख रहा है देन एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप लिखते हो कि ठीक है दिस 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 जो भी है कि आप उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हो आफ्टर दैट आप तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हो आर्टिकल को पहला क्या लिख रहे हो आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दोगे दो पैराग्राफ्स में और लास्ट में उसको कंक्लूड करोगे ठीक है उसको कंक्लूड करोगे आई डोंट नो बच्चा मैंने इस बार फेल नहीं होना बच्चा आई विल टीच यू नो वरीज मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया पैनिया आपको ये बताओ आप रमेश उपाध्याय समझ आ गए बच्चे इट्स ऑलरेडी फाइव आई डोंट नो अबाउट क्लास इलेवंथ यू कैन चेक यू कैन सब्सक्राइब द चैनल यू कैन यू विल गेट टू नो अबाउट द क्लास इलेवन टीचर्स सो इज दैट मच क्लियर सबको समझ आ गया चला जाए फिर अंधेरा तेरा ओके okay, चलो चलो आई थिंक आई शुड गो नाउ मिलते हैं बहुत जल्दी बाय बाय जीते रहो